लॉकडाउन का आज 8वां दिन है और जिस हिसाब से पिछले 7 दिन बीते हैं उसी हिसाब से आज भी दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली में अलग अलग जगह जितने लुटियंस दिल्ली के अंदर हैं वहाँ पर इस तरह के जो पोस्टर बैनर्स हैं बैरिगेटिंग के पास वो लगाए हुए हैं। एक्ट धारा 144 लागू है, यानी कि 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह के जो बैनर्स हैं वो दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं और सख्ती आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर की जा रही है। बैरिगेटिंग पे जो भी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं बिना पत्र के या एसेंशियल सर्विसेज जिनको केंद्र सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है, अगर वहाँ से अनुमति नहीं है तो उन वाहनों को नहीं आगे जाने दिया जा रहा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हर एक वाहन को दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, बाकायदा चेक करके ही यहाँ से आगे बढ़ने दिया जा रहा है। चाहे वो उस पर स्टिकर भी लगा हो एसेंशियल ड्यूटी का, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरी तहकीकात है वो हर एक वाहन से यहाँ पर की जा रही है। कुछ एसेंशियल सर्विसेज को गृह मंत्रालय के द्वारा जो है छूट वो दी गई है और इसी तरह से हर एक वाहन को जो है चेक करके यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति है। और जिसके पास इस तरह की पूरे चीज़ें नहीं हैं या फिर जो बिना उस दायरे में आने के बाद सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते होंगे कि हर एक गाड़ी की यहाँ पर जो है चेकिंग या फिर जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने के बाद ही यहाँ पर से आगे जाने की अनुमति है। 8वां दिन है आज लॉकडाउन का और लगातार अब ये प्रयास जारी है और जनता के मन में एक सवाली निशान है कि क्या लॉकडाउन अब आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि कैबिनेट सचिव जो है राजीव गाबा उनकी तरफ से कहा गया था कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उनको देख के ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि लॉकडाउन के चलते भी जो लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में सरकार इसको खत्म करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए और एहतियात क्या उठा सकती है। कैमरा पर्सन अजाज खान के साथ प्रशांत यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।